भरतपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत रापा के धान खरीदी केंद्र में अचानक पहुंचकर तहसीलदार मनहरन सिंह राठिया ने छापा मारा, जहां धान खरीदी केंद्र में 2381 बोरी में 952 क्विंटल धान की कमी पाई गई। साथ ही कोट डोल के धान खरीदी केंद्र में जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि धान खरीदी केंद्र प्रबंधक द्वारा जिस प्रकार से रजिस्टर को मेंटेन करके रखा गया था, उस पर धान की पूरी खरीदारी की गई थी। जब इसकी जांच की शिकायत मिलने पर अधिकारी पहुंचकर निरीक्षण किए तो 952 क्विंटल धान कम पाई गई। तहसीलदार खाद्य निरीक्षक और मेरे द्वारा जो है रापा और कुटाडोल की जांच किया गया, तो रापा में जांच के उपरांत कुल 2381 बोरों में 952 क्विंटल की कमी पाई गई है, जिसका पंचनामा और किसानों से बयान वगैरह सब ले लिया गया है। इसके पश्चात कोटाडोल की जांच अभी चल रही है और विस्तृत रिपोर्ट कल आ जाएगी हमारे पास। सर, जो धान कम पाया गया है, वो धान मतलब किस प्रकार से कम पाया गया, क्या सामने आई बात? अब ये प्रारंभिक रूप से किसानों के द्वारा मौके पर न ला करके जो प्रभारी है वो फर्जी रूप से चढ़ाया गया, इस टाइप से हमके प्रतीत हो रहा है। अब ये विस्तृत जांच के पश्चात ही पता चलेगा इसके बारे में। तो सर, उस धान खरीदी केंद्र के प्रभारी के ऊपर किस प्रकार कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में इस बात को डाल दिया गया है, आज की जो कार्रवाई हुई है उसके संबंध में।